जब भी हम पास्ता बनाते हैं तो हमारी पास्ता बाजार जैसे क्यों नहीं बनती, यही बात एक दिमाग में आती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पास्ता को उबाल दिया था पानी में और मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला था और नमक डाला था और मैंने इसको पानी में डालकर कुकर में 2 सीटियाँ लगा दी। अब मैं इसमें डालूंगी पास्ता मसाला। हम अगर मसाला प्याज के साथ डाल देंगे तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। अब हम इसमें मसाला डालेंगे तो ये सारा मसाला ये ले लेगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्पाइसी बनाना हो तो। आधा नमक हम इसमें डालेंगे, आधा उसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी ऑप्शन है, मैं डालूंगी। इसमें डालूंगी चिल्ली सॉस स्वाद अनुसार, सोया सॉस। अब हम इनको घुमा लेंगे। अब मैंने प्याज भी रखी है गैस पर, हमने इसमें प्याज डाल दी और गाजर डाल दी और घी डाल दिया 1 चम्मच। अब हम इसमें चीज भी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर कद्दूकस करके, इससे इसका फ्लेवर अच्छा भी आएगा और ये थोड़ी लिक्विड बनेगी। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, दूध से इसका स्वाद और अच्छा बनेगा। लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसमें हम शिमला मिर्च बाद में ऐड करेंगे आखिरी में। ये हमारा मसाला इस तरह हो गया। अब हमने जो पास्ता इस तरह से करी उसको डाल देंगे और घुमाएंगे। हमारी पास्ता रेडी है और हम इसमें चीज ऐड करेंगे और उसको घुमाएंगे गैस बंद करके। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, फॉलो करें। माय चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखकर आप लाइक नहीं करती हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें।